दोस्तों इंडियन नेवी डबल SSR MR जनरल अवेयरनेस पार्ट 8। अभी तक हमने पार्ट 7 कंप्लीट कर ली है। जिसने भी नहीं देखा आप चैनल पर जाइए या फिर ऊपर आई बटन पर क्लिक करिए, वहाँ पे आपको वीडियोस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप सातों पार्ट्स देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ही आप 8वां पार्ट देखिएगा। चलिए सबसे पहले मैं जो करता हूँ वो करके दिखा देता हूँ आपको, सिलेबस दिखा देता हूँ। सिलेबस है ये, देखिए साइंस मैथमेटिक्स इंग्लिश जनरल अवेयरनेस। अगर आपको ये सिलेबस चाहिए तो आप चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको एक वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर जनरल अवेयरनेस का सिलेबस देखते हैं। तो हमने पहला सेक्शन पूरी तरीके से कम्प्लीट कर लिया है, दूसरा सेक्शन भी हमने कंप्लीट कर लिया है और इसमें हमने करंट अफेयर्स छुड़वा दिए है। मैंने आपसे बोला था करंट अफेयर आप खुद ही तैयार कर लेना। थर्ड सेक्शन आता है, थर्ड सेक्शन देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट नेशनल फैक्ट्स अबाउट इंडिया में पहला टॉपिक आता है हेरिटेज। तो हेरिटेज के आज 10 क्वेश्चन मैं आपको लेके आऊँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही टफ क्वेश्चन है। आज देखते हैं आज कौन कौन कितने क्वेश्चन के आंसर सही देता है। तो 10 क्वेश्चन हो गए और ये टॉपिक आपका MR के सिलेबस में भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ, कन्फ्यूजन में नहीं रखूँगा। ये देखिए MR के सिलेबस में भी हेरिटेज टॉपिक है। तो ये वीडियो MR डबल SSR तीनों के लिए है और SSR और डबल A का जो साइंस का सिलेबस है वो आप देख लीजिए, यहाँ पे 5 सेक्शन में है। तो यहाँ पे पहले सेक्शन में पहला टॉपिक है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। तो हो सकता है इससे क्वेश्चन ना पूछा जाए या कम क्वेश्चन पूछा जाए या पूछ लिया भी जा सकता है, अगर टॉपिक है तो पूछा भी जा सकता है। तो इसके हमने 20 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको बताए हैं पार्ट 1 में। शाम को 6 बजे वीडियो मिलती है आपको, तो मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी, आप वहाँ से आप चैनल पे जाके या ऊपर आई बटन पे क्लिक करिए, यहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी, आप यहाँ से देख सकते हो। फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट के 20 से भी ज़्यादा क्वेश्चन हैं और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है काइनेमेटिक्स, थी उसकी वीडियो आज शाम को आपको 6 बजे मिल जाएगी, या फिर ऐसा कह लो कि डेली 6 बजे आपको फिजिक्स की एक वीडियो मिलेगी और सुबह 8 बजे आपको जनरल अवेयरनेस की वीडियो भी लगी। तो चलिए आज के 10 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जनरल अवेयरनेस पार्ट 8। और हमारी आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, 1983 में भारत की किस धरोहर को विश्व सांस्कृतिक विरासत में सम्मिलित किया गया? विच हेरिटेज ऑफ इंडिया वॉज इंक्लूडेड इन वर्ल्ड कल्चरल इनहेरिटेज इन 1983? गोल्डन टेम्पल, कुतुब मीनार, ताजमहल, इंडिया गेट। स्वर्ण मंदिर, कुतुब मीनार, ताजमहल, इंडिया गेट, 4 ऑप्शन के पास। आप जल्दी इस कमेंट में रिप्लाई करिए, जो भी आपको सही लगता है आपको रिप्लाई इसी तरीके से करना है, 1 का ABCD जो भी आपको सही लगता है इस तरीके से आप रिप्लाई करिए। और रिप्लाई करना मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन पढ़ोगे और उसके ऑप्शन पढ़ोगे, रिप्लाई करोगे तो सिंपल सी बात है, आपको क्वेश्चन याद रहेगा। आंसर याद करना नहीं इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, आपको क्वेश्चन याद होना चाहिए। जब आपको क्वेश्चन याद होगा तभी आपको आंसर याद होगा, सिर्फ आप आंसर रट लेते हो उससे कोई फ़ायदा नहीं। आपको क्वेश्चन याद करना होगा, क्वेश्चन क्या है वो आपको याद करना होगा। आप क्वेश्चन याद करिए, आंसर आपको खुद में खुद ही याद हो जाएगा। तो क्वेश्चन आप पढ़ा करिए और उसका आंसर दिए आप कमेंट में दिया करिए। 1983 में भारत की किस धरोहर को विश्व सांस्कृतिक विरासत में सम्मिलित किया गया है? स्वर्ण मंदिर, कुतुब मीनार, ताजमहल, इंडिया गेट। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर C, ताजमहल। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए मैं थोड़ा जल्दी बता देता हूँ, कुछ लोग कह रहे थे आराम से क्वेश्चन को बताया करो, कुछ लोग कहते हैं जल्दी क्वेश्चन बताया करो, तो मैं अपने तरीके से बताऊंगा क्योंकि दो प्रकार की बातें आ रही हैं। किस राष्ट्रीय उद्यान को 1985 में विश्व की प्राकृतिक धरोहर के रूप में घोषित किया गया? इन 1985 विच नेशनल पार्क वॉज डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज? 4 ऑप्शन आपके पास, कार्बेट नेशनल पार्क, कंचनजंगा, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान और कान्हा राष्ट्रीय पार्क। 4 ऑप्शन आपके पास, जल्दी से रिप्लाई करिए कमेंट में, आपको रिप्लाई पता है किस तरीके से करना है। उसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर C, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 3, 1987 में कहाँ की गुफाओं को विश्व धरोहर माना गया है? 1987 में कहाँ की गुफाओं को विश्व धरोहर माना गया है? इन 1987 विच केव्स वर एक्सेप्टेड एज वर्ल्ड हेरिटेज? 4 ऑप्शन आपके पास, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा। इनमें से कोई नहीं, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, नन ऑफ देम। और जल्दी से रिप्लाई करिए, उसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर C। ए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तीनों के ऑप्शन नंबर C सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अरे, महाबोधि मंदिर को किस सन में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में रखा गया? इन विच ईयर महाबोधि टेम्पल वॉज इंक्लूडेड वर्ल्ड हेरिटेज बाई यूनेस्को? भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉप 10 क्वेश्चन हमने निकाले हैं, तो समझ सकते हो आप
हेरिटेज के 10 क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हो गए। इन विच ईयर महाबोधि टेम्पल वॉज इंक्लूडेड इन वर्ल्ड हेरिटेज बाई यूनेस्को? 2000, 2002, 2001, 2005, 2000, 2002, 2001, 2005। और जल्दी से रिप्लाई करिए, उसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तो क्वेश्चन नंबर 5, नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व विरासत की सूची में कब लाया गया? व्हेन वाज नालंदा यूनिवर्सिटी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज? 2005, 2017, 2010, 2016। 2005, 2017, 2010, 2016। जल्दी से रिप्लाई करिए, नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व विरासत में की सूची में कब लाया गया? जल्दी से रिप्लाई करिए। और यहाँ पे हेरिटेज लिखा है, यहाँ पे इनहेरिटेज होगा, क्योंकि विरासत इनहेरिटेज होता है, हेरिटेज होता है नहीं होता है, हेरिटेज में विरासत। तो जल्दी से इसका रिप्लाई करिए आप कमेंट में। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, सांची के स्तूप को विश्व धरोहर के रूप में कब शामिल किया गया? व्हेन वाज सांचीज केर्न, केर्न मीन्स स्तूप होता है, इंक्लूडेड इन वर्ल्ड हेरिटेज? जल्दी से रिप्लाई करिए, 1989, 1990, 1989, 1992, 1988, 1990। चार ऑप्शन है आपके पास और आपको कमेंट में रिप्लाई जरूर देना है, क्योंकि आपको अभी तक पता चल गया होगा पांच क्वेश्चन में बताएं पांचों इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आप रिप्लाई करिए। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, क्या हो रहा है आज, ऑप्शन नंबर ए, 1989। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 1993 में यूनेस्को द्वारा दिल्ली के किस स्थल को विश्व धरोहर माना गया? विच मोनूमेंट ऑफ दिल्ली वॉज एक्सेप्टेड एज वर्ल्ड हेरिटेज इन 1993 बाई यूनेस्को? इंडिया गेट, लाल किला, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद? इंडिया गेट, रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद। जल्दी से इसका रिप्लाई करिए, उसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, कुतुब मीनार। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8, 2010 में विरासत के रूप में माने जाने वाला जंतर मंतर, सॉरी हाँ विरासत नहीं, 2010 में विश्व विरासत के रूप में माना जाने वाला जंतर मंतर कहाँ है? यहाँ पे मैंने विश्व मिस कर दिया है, तो यहाँ पे विश्व लिख दीजिएगा, क्या लिख रहा हूँ, 2010 में विश्व विरासत के रूप में माना जाने वाला जंतर मंतर कहाँ है? जंतर मंतर नोन एज वर्ल्ड इनहेरिटेज इन 2010 इज लोकेटेड इन लखनऊ, जयपुर, दिल्ली, आगरा। लखनऊ, जयपुर, दिल्ली, आगरा, चार ऑप्शन आपके पास, जल्दी से रिप्लाई करिए। 2010 में विरासत के रूप में माना जाने वाला जंतर मंतर कहाँ है? और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, जयपुर। देखिए इसको इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो जंतर मंतर है वो जयपुर का है, तो ये इसको कब विरासत के रूप में माना गया है, तो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आपको सन में ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आपका इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जंतर मंतर विरासत के रूप में कब से माना जाने लगा है, तो आपको चार ऑप्शन होंगे, तो आपको याद रखना होगा 2010। इसलिए कहता हूँ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप क्वेश्चन याद करिए, क्वेश्चन याद करोगे तो आपका आंसर याद ही रहेगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, भीमबेटका की गुफाओं में की गई चित्रकारी कितनी पुरानी है? 1200 साल पुरानी ईस्वी, 4400 ईस्वी, 5000 ईस्वी, 5500 ईस्वी पूर्व। हाउ ओल्ड इज द पेंटिंग और ड्राइंग, हाउ ओल्ड इज द पेंटिंग और ड्राइंग ऑफ भीमबेटका केव्स? जल्दी से रिप्लाई करिए, आपके पास चार ऑप्शन है, 1200, 4400, 5000 और 5500। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, 5500 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, अजंता की गुफाओं के चित्रों में मुख्य रूप से कौन से भगवान के जीवन से संबंधित घटनाओं को चित्रण किया गया है? इंसिडेंट रिलेटेड टू विच गॉड इज मेनली प्रिंटेड इन द फिगर्स ऑफ केव्स ऑफ अजंता? लॉर्ड महावीर में, सॉरी मिस्टर लिखा हुआ है, श्री कृष्णा, लॉर्ड बुद्धा,
लॉर्ड शिवा, भगवान महावीर, श्री कृष्ण, भगवान बुद्ध और भगवान शिव। जल्दी से रिप्लाई करिए, लास्ट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, भगवान बुद्ध, लॉर्ड बुद्धा। 10 क्वेश्चन थे, आपको पता होंगे, आपने देखे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और काफ़ी इजी क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं है, काफ़ी टफ क्वेश्चन होंगे। अब देखता हूँ मैं कमेंट में कि किसने किसने कितने क्वेश्चन के आंसर सही दिए हैं। और नेक्स्ट टॉपिक आपको पता ही है, उसके क्वेश्चंस आपको कल सुबह 8 बजे, या हो सकता है मैं आज दोपहर तक भी आपको दूसरी वीडियो ला के दे दूँ, क्योंकि सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवाना चाहता हूँ, जिससे आपका सिलेबस अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाए। तो हो सकता है आज दोपहर में भी आपको वीडियो मिल जाए और शाम को 6 बजे आपको फिजिक्स की वीडियो ज़रूर मिल जाएगी। अब नोटिफिकेशन आपके पास आए ना आए, आप 8:15 तक सुबह आ जाइए और शाम को 6 बजे या 6:15 बजे तक आ जाइए, आपको चैनल पर वीडियो ज़रूर मिल जाएगी। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज मैंने आपको लाइक या सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोला था, तो जितने लोग, कुछ लोग तो वीडियो छोड़ के चले गए होंगे, लेकिन जो लोग अभी तक वीडियो देख रहे हैं सब लोग यार लाइक बटन को दबा दो, और चैनल पे एक भी बंदा नहीं आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।